नहीं कि आप जिस समय वोट लेने आते आए थे उस समय हमारे से कई वादे किए थे, हम आज दुखी होकर के आपके पास आए हैं और आपको ये काम करना है, विधानसभा में प्रश्न उठाना है, लोकसभा में प्रश्न उठाना है, और अगर आप नहीं उठाते हैं तो भविष्य में हमारे सामने आने की कोशिश मत करना। इसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कष्ट का पैसा है। नंबर तीन, आपको संघर्ष के लिए गिने चुने आदमी नहीं, कम से कम तहसील पाली जिले में 10 तहसीलें हैं तो कम से कम एक एक तहसील से 50-50 आदमी होकर के 500 आदमी पाली स्तर पे ज्ञापन के समय वहां पर उपस्थित रहने चाहिए, और जयपुर के लिए प्रत्येक तहसील से मिनिमम 10-10 आदमी या 20-20 आदमी होकर के 5,000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। संघर्ष करना और जानबूझ करके सोए हुए को उठाना और उसको मजबूर करना आदेश करने के लिए, तभी ये राज्य सरकार मानेगी या केंद्र सरकार मानेगी। वरना आप अगर इस तरह से कि मैं क्यों जाऊं, मेरे भाई जाएंगे उनको मिलेगा जैसे मेरे को भी मिल जाएगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। मैंने खुद ने संघर्ष किया है पटवारी और आरए के लिए 9, 18, 27 ग्रेड में, और मुझे प्रमोशन मिला 80 आदमियों को पीछे रखते हुए, और नए तहसीलदार वर्किंग में 3 साल रहा, और नहीं तो मैं स्वर्ण जाति का होने से मेरे का प्रमोशन ही नहीं होता था। 76 का नौकर था और 87 मेरे साथ, मेरे पास जो ट्रेनिंग किए वो मेरे अधिकारी थे। संघर्ष करना पड़ता है और मैंने तो संघर्ष किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आज आए हैं वो अपने अपने सह साथी को, दुखियारियों को 5-5 जोड़ करके जिला लेवल पर एक साथ कम से कम एक एक आदमी 5-5 कैंडिडेट जोड़े और उनको सबको साथ लेकर के पाली लेवल पे धरना प्रदर्शन में साथ रखे, और जिस किसी की स्थिति नहीं हो उनकी बात छोड़ो, जिनकी स्थिति है और जो 1 लाख से ऊपर निवेश वाले हैं आप ढूंढ करके मिनिमम पांच कह रहा हूँ, लेकिन 5 के 25 व्यक्तियों को इकट्ठे करके पाली प्रदर्शन में वहां पर लेकर के आए, आपकी जीत होगी। और अगर आप बुजदिल हो गए तो आपको कोई देने वाला नहीं है और कोई नींद से उठने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप संघर्ष करने उतर गए तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अकेला बंदा था या जोधपुर का एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर मेरे साथ जुड़ा हुआ था, 2 बंदे थे और सभी की नाव पार सुप्रीम कोर्ट तक। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ूं, तो वहाँ की यूनियन ने पैसे खर्च किए। मेरा कहना यही है कि आप संघर्ष करो, आपका हक है, आज नहीं तो कल मिलेगा। अपने संघर्ष में यही बात रखो कि हमारे पैसों से जो भी निवेश किए, हमारे पैसों से लोन दिया, उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी, वो सारी कुड़ करो और नीलाम करो और हमारे पैसे दो। संघर्ष करने की ताकत आप में होनी चाहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।